हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इस लेक्चर में हम स्पेसिफिक एंथैल्पी और स्पेसिफिक एंट्रोपी डायग्राम को प्लॉट करेंगे। इसी डायग्राम को मौलियर डायग्राम भी बुलाते हैं। तो पहले कोऑर्डिनेट्स लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स इसमें वाई एक्सिस पे हम स्पेसिफिक एंथैल्पी को रिप्रेजेंट करते हैं। स्पेसिफिक एंथैल्पी को वाई एक्सिस पे एंड स्पेसिफिक एंट्रोपी को एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसके लिए पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए -10 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है आपके पास 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर पे। तो आपने हीटिंग स्टार्ट की, -10 डिग्री सेल्सियस आइस से 0 डिग्री आइस तक ये आपका 1-2 स्टेज होगा। अगेन 0 डिग्री, तो यहाँ पर लिख देते हैं, ये सॉलिड स्टेट है, ये भी सॉलिड स्टेट है। नाउ 0 डिग्री आइस से 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब आप अब आ गए हो लिक्विड स्टेट में। इसको हम 2-3 से रिप्रेजेंट करेंगे। देन 0 डिग्री सेल्सियस लिक्विड से 100 डिग्री सेल्सियस लिक्विड तक आप जाओगे। इसको 3-4 स्टेट से रिप्रेजेंट करेंगे हम। देन 100 डिग्री लिक्विड को 100 डिग्री वेपर में कन्वर्ट करेंगे। ये आपका फेस चेंज वाला रीजन है। इसको 4-5 से रिप्रेजेंट करेंगे हम। 100 डिग्री सेल्सियस वेपर टू 120 डिग्री सेल्सियस वेपर, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम 5-6 स्टेट से। तो अब देखते हैं एक रिलेशन होता है टेम्परेचर एंट्रोपी एंथैल्पी के बीच में। TdS इक्वल टू DH-VdP। ये हम ड्राइव तब करते हैं जब फर्स्ट और सेकंड लॉ को हम कंबाइन करते हैं, तो इक्वेशन निकल के आती है वहां से। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो डीपी की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। दैट मीन्स टीडीएस इक्वल टू डीएच, दैट मीन्स डीएच डिवाइडेड बाय डीएस इक्वल टू टेम्परेचर। तो यही स्लोप होता है, DY/DX को स्लोप हम बुलाते हैं, DH/DS ये स्लोप है। HS जो के बीच में जो कर्व बनेगा उसका स्लोप है TH/DS। तो ये किस पे डिपेंड, ये क्या है, टेम्परेचर के बराबर होता है। दैट मीन जो स्लोप की वैल्यू है, जो स्लोप की वैल्यू है वो टेम्परेचर के बराबर है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो स्लोप भी कांस्टेंट रहेगा, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा आपका तो स्लोप भी बढ़ेगा आपका, इंक्रीजिंग स्लोप होगा। तो इस टाइप से बनेगा। तो देखिए यहाँ पर पहले देखते हैं टेम्परेचर कहाँ पर बढ़ रहा है, कहाँ पर कांस्टेंट है। कांस्टेंट वहां पर है जहां पर फेज चेंज हो रहा है। दैट मीन्स आपका पहले 2-3 रीजन में यहाँ पर स्लोप कांस्टेंट रहेगा और फेज चेंज 4-5। तो पहले हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए 1-2 स्टेज में पहले स्लोप बढ़ेगा इस टाइप से, तो ये कर्व टाइप का होगा 1-2। अब 2-3 में ये स्ट्रेट लाइन होगी, स्ट्रेट मतलब इंक्लाइंड होगी बट स्ट्रेट होगी, कर्व नहीं होगा ये। तो 2-3 क्या है, ये कांस्टेंट है आपका, यहाँ पर स्लोप कांस्टेंट है। 3-4 अगेन जो कर्व है आपका ये इंक्रीजिंग कर्व होगा, ये आपका 3-4 हो गया। 4-5 ये फिर कांस्टेंट हो जाएगा आपका एंड 5-6 अगेन इंक्रीजिंग। देखिए स्लोप जो होता है वो इंक्रीजिंग किस टाइप से होता है, स्ट्रेट जो अगर स्ट्रेट लाइन है इंक्लाइंड तो वो कांस्टेंट टाइप का होता है, अगर वो इस टाइप से है वो इंक्रीजिंग होता है। इसी को सेम सेटअप को अगर आप -10 डिग्री सेल्सियस आइस को आप हायर प्रेशर पे अगर आप हीटिंग करते हो तो ये कर्व कुछ इस टाइप से बन जाएगा, इस टाइप से। तो ये पॉइंट्स आपके यहां पर कहीं पर शिफ्ट हो जाएंगे। अगेन आप फिर बढ़ाओगे प्रेशर तो इस टाइप से कर्व बनेगा आपका, ये पॉइंट्स। तो किस टाइप से हम इसे प्लॉट करेंगे, हम सेचुरेशन पॉइंट्स को ही ज्वाइन करते हैं तभी ग्राफ बनाते हैं। तो ये आपका इस टाइप से ज्वाइन होंगे, 2 पॉइंट्स 3 पॉइंट्स और ये आपका 4 आपका इस टाइप से। तो ये इस टाइप से बनता है, इसको बेटर हम इसमें देखते हैं लाइक दिस। तो ये जो इनिशियल जो रीजन होता है वो सॉलिड का है, उसके बाद सॉलिड प्लस लिक्विड, देन लिक्विड एंड देन लिक्विड प्लस वेपर, और लास्ट आपका ये होता है वेपर या सुपर हीटेड स्टेट से हम लाते हैं। तो ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, कांस्टेंट प्रेशर को। तो
तो मौलिया डायग्राम या एचएस डायग्राम में दीज लाइन रिप्रेजेंट कांस्टेंट प्रेशर। तो अगर मुझे आइसोथर्मल लाइंस बनाती हैं तो भी कैसे बनती हैं, इस टाइप से देखिए, ये कांस्टेंट प्रेशर की लाइंस हैं। कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर दोनों ही लाइंस जो वेपर रीजन होता है इसमें मर्ज करती हैं, बट सुपर हीटेड रीजन में डिफरेंट होता है। सुपर हीटेड रीजन में देखिए, ये तो है कांस्टेंट प्रेशर की लाइन, पी इक्वल टू कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट टेम्परेचर की लाइन है। अब आप देख रहे हो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है, ये जो आइसोथर्मल लाइंस या कांस्टेंट टेम्परेचर वाली लाइंस है ये हॉरिजेंटल होती जा रही है। दैट मीन्स एट लो प्रेशर आइसोथर्मल लाइंस बिकम्स हॉरिजेंटल, यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो इस चीज को आप। ये पहला पॉइंट हमने ऑब्जर्व किया यहाँ पे कि जैसे ही ये कहाँ पर वैलिड है, सुपर हीटेड रीजन में। ये पॉइंट्स कहाँ पर है, सुपर हीटेड रीजन में, सुपर हीटेड रीजन में ये पॉइंट होता है। सेकेंड हम ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पे कि जो आइसोबारिक और आइसोथर्मल जो लाइंस हैं वो मर्ज करती है कहाँ पर, वेपर रीजन में, मतलब वेट रीजन में। वेट रीजन में यही लाइन आपकी कांस्टेंट प्रेशर लाइन भी है, कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन भी है। सेम ये कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन भी है, कांस्टेंट प्रेशर। दैट मीन्स सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या है हमारी, आइसोथर्मल लाइंस, आइसोबारिक एंड आइसोथर्मल लाइंस, ये क्या होती हैं, ये आपकी मर्ज करती हैं कहाँ पर, आपकी कोइंसाइड करती है कहाँ पर, वेट रीजन में। कहाँ पर, वेट रीजन में। दैट मीन्स वेट रीजन के अंदर आइसोबारिक मतलब कांस्टेंट प्रेशर एंड आइसोथर्मल कांस्टेंट टेम्परेचर वाली लाइन दोनों ही सेम होती है, ये वाली आपकी। बट सुपर हीटेड रीजन में जो कांस्टेंट प्रेशर वाली लाइंस हैं वो आपकी कर्व टाइप की होती हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर वाली लाइंस हैं वो डिपेंड करता है लोअर प्रेशर पे, वो हॉरिजेंटल होती जाती हैं। देखिए ये ज्यादा हॉरिजेंटल है, आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ये कर्व है आपका यहाँ पर, ये कर्व है आइसोथर्मल। तो दो ऑब्जर्वेशन हमने यहाँ पर देखे, मॉलियर डायग्राम में या एचएस डायग्राम में हमने देखा कि जो आइसोथर्मल और आइसोबारिक लाइंस होती हैं वो वेट रीजन के अंदर तो सेम हो जाती हैं, सुपर हीटेड रीजन में उनका स्लोप डिफरेंट होता है, इसलिए हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स इनको रिप्रेजेंट किया है। थैंक यू।